असलमकम जी उम्मीद है आप सब है पाके से होंगे और अल्लाह फजल व क़दम से खुशबाश होंगे हमेशा की तरह आज एक बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता हम रेडी करने वाले हैं पाँच से दस मिनट टोटल इसके लगते हैं और ये हेल्दी ब्रेकफास्ट चीज़ी मज़ेदार सा रेडी हो जाता है तो आइए फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये ब्रेकफास्ट हम किस तरह से रेडी करेंगे जल्दी जल्दी झटपट मज़ेदार मेरे पास ये सौ ग्राम पालक है इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया है और अब हम इसको काट लेंगे मोटा मोटा सा इसको हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे इसके बाद इसमें मैं सौ एम मिल्क ऐड कर रही हूँ हाफ ग्लास दूध है ये इसके साथ इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ सौ ग्राम जो कि फ़ाइव से सिक्स टेबल स्पून होता है एक अंडा इसमें ऐड कर लेंगे हम इसके साथ इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून और ब्लैक पेपर पाउडर है हाफ़ टी स्पून ये सारी चीज़ें हैं इनको हम एक ब्लेंडर में शिफ्ट कर लेंगे और इसका हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बनाने के बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे बहुत थिक लग रहा है ये इसमें मैं हाफ़ कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसको हम दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे और ताकि पेस्ट मिक्स हो जाए अच्छी तरह से तो ये हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी है इसी तरह का हमें चाहिए तो इसको बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं हम इस मिक्सचर को आप अच्छी तरह से चेक कर लें इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं होना चाहिए लम्स नहीं होने चाहिए इसमें मैदे के तो अच्छी तरह से इसको चेक कर लें एक दफ़ा और कंसिस्टेंसी भी आप देख लें इसी तरह का हमें लिक्विड ही चाहिए तो नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है तो अब हम इसको कवर करके हाफ़ आवर के लिए रेस्ट देंगे और अगर आपको जल्दी है तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं तो अब हाफ़ आवर हो चुका है इसको हम खोल के दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे उसके नीचे हम हल्का सा बटर लेके उसको ब्रश कर लेंगे और जब पैन गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ये मिक्सचर ऐड करेंगे और अपना ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे तो ये मिक्सचर है हमारा हम ले लेंगे अपने पैन के हिसाब से इसमें ऐड कर लेंगे टू टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बड़े वाले स्पून हैं ये तो ये ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे सारा पूरे पैन के नीचे वाले हिस्से पे फैला लेंगे और इसकी शेप का भी ध्यान रखें कि गोल ही रहे टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए तो क्योंकि देखने में भी नाश्ता अच्छा ही लगना चाहिए खाली खाने में ही अच्छा नहीं होना चाहिए इसकी ख़ूबसूरती भी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए तो जब ये इसके किनारे इस तरह से डार्क होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है कि नीचे वाला इसका इसका हिस्सा जो है वो कुक होना स्टार्ट हो चुका हुआ है तो जब ये इस तरह से फुल डार्क हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे एक पैन के एक स्पून के साथ बहुत इजीली इसकी साइड चेंज हो जाएगी क्योंकि हमारा जो पैन है वो नॉन स्टिक है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी इसकी साइड चेंज करने में इस तरह से हम इसको उठा के पलटा लेंगे ये आप देख सकते हैं नीचे वाला हिस्सा हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका हुआ है तो अब हम इसको दूसरे साइड से भी कुक करेंगे एक साइड इसकी टू मिनट्स में कुक हो जाती है इसकी साइड चेंज की हुई है और अब इसकी दूसरे वाली साइड पे हम चीज़ ऐड करेंगे चीज़ की क्वांटिटी आप अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं और कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं एक हिस्से में हम इसकी चीज़ ऐड करेंगे और फिर हम हाफ़ जो है इसका ऊपर से उठा के बंद कर देंगे इस तरह से और इसको चम्मच के साथ हम स्पून के साथ प्रेस कर देंगे तो ये सील हो जाएगा चीज़ के साथ ही चिपक के सील हो जाएगा अब हम इसको इस तरह से कुक करेंगे दोनों साइडों से हल्का सा ऊपर से प्रेस भी करेंगे ताकि चीज़ इसके साथ चिपक जाए और ये प्रेस हो जाए बंद हो जाए इस तरह से कुक करेंगे फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे ताकि ये अब जो ऊपर वाला हिस्सा है ये भी कुक हो जाए तो टोटल थ्री मिनट लगते हैं ये एक पीस बनाने में तो आप जो है इजीली बना सकते हैं इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं आप लोग काफ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं या इसको ऐसे भी खा सकते हैं स्नैक्स के तौर पे तो ये देखें खूबसूरत सा हमारा ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है इसी तरह से हम बाकी के सारे पीसेस बना सकते हैं जितना मिक्सचर हमने आज रेडी किया है इसके साथ हम इस तरह से चार पीसेस बना सकते हैं लेकिन ये जो इसकी मकदार है क्वांटिटी वो साइज़ पे भी डिपेंड करती है अगर आप बड़े साइज़ के बनाएंगे तो चार बनेंगे अगर आप छोटे साइज़ में बनाएंगे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं तो ये देखें खूबसूरत सा हमारा एक पीस बिल्कुल रेडी हो चुका है इसी तरह से हम बाकी के सारे पीसेस बना लेंगे तो ये चीज़ जो है आप बिल्कुल ब्रेकफास्ट के अलावा भी इसको अगर आपके गेस्ट वगैरह आ जाएं तो उनको भी सर्व कर सकते हैं अगर आपको जल्दी जल्दी कुछ बनाना है तो आप ये बना के उनको सर्व कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में भी ये अच्छी लगती है हेल्दी रहती है इसके साथ जो है अच्छा सा नाश्ता हो जाता है तो इसी तरह से हम बाकी के सारे स्लाइसिस बना लेते हैं और फिर हमारा ब्रेकफास्ट जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी मुनफरद सा नाश्ता है अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ताकि सारे इस रेसिपी को इंजॉय कर सकें और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करें और आप फ़ौरन से वीडियोज़ देख सका करें तो अगर आप अपनी पसंद से कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट में बताएं मैं इन जरूर आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूंगी तो ये देखें बिल्कुल हमारे सारे स्लाइसेस रेडी हो चुके हैं कितने चीज़ी हैं ये आप नज़र आ रहा होगा बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये स्लाइसेस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी तो ये थी आज की हमारी ब्रेकफास्ट की वीडियो जो कि बहुत ही जल्दी जाटपाट बन जाता है ब्रेकफास्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा अब हाँ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो